बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। आपकी चहेती बहू इशिता ने चुन लिया है अपना हमसफर। इशिता मतलब दिव्यंका हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाय हरि भैया, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक। और ये हम पूछेंगे कि हमें पता भी नहीं चला, और ये एक बड़ा सा सरप्राइज दर्शकों के लिए। जी हाँ, किसी को भी पता नहीं चला, बहुत जल्दी जल्दी हो गया सब कुछ। हमारे लिए भी सरप्राइज था, जिस तरह से मैं और विवेक हम मिले मतलब ऑफिशियली फॉर मैरिज पर्पसेस हमें इंट्रोड्यूस किया गया एक दूसरे से। हम सेट पे तो हमेशा होते थे साथ, लेकिन कभी हम लोग ने इस तरह से सोचा ही नहीं था इस डायरेक्शन में। लेकिन जब हमें इस तरह से इंट्रोड्यूस किया एक दूसरे से, किसी ने बोला कि क्यों नहीं तुम लोग इस तरह से बातचीत करते हो, तो बहुत ऑकवर्ड हो गया। लेकिन फिर हमने जब बातें करना चालू किया, मुलाकातें चालू की, देन वी रियलाइज कि इट्स सो ब्यूटिफुल बोथ ऑफ अस। हम दोनों जैसे कि मेड फॉर ईच अदर हैं, एक ही तरह के हैं, एक ही व्यवहार है हमारा, एक ही तरह की सोच है, परिवार एक जैसे हैं। एंड जब सब कुछ इतना ज़्यादा एक जैसा हो रहा होता है, एंड फिर डेस्टिनी हम दोनों को बहुत जल्दी जल्दी करीब ला रही थी। हम मिलकर भी आ रहे हैं उनसे, एकदम डाउन टू अर्थ बंदा। मतलब दिव्यंका ने सोचा था कि जो मेरा सपनों का राजकुमार होगा ऐसा ही होगा। एब्सोल्युटली मैं इनफैक्ट ये चाह रही थी कि कोई एक्टर को डेट नहीं करूँगी, मेरा यही सोचना था, क्योंकि वो इनसिक्योरिटीज, कॉम्पिटिशन, ये सब बड़ा कॉमन हो जाता है एक्टर्स के बीच में। सो सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन खुशकिस्मती से सब कुछ इतना अच्छा मिल गया। ये बताइए कि जब विवेक ने आपको प्रपोज किया, उन्होंने शायद बर्थडे पर आपको प्रपोज किया था, कैसे दिल हार गई आप? विवेक ने मुझे सेल्फलेस प्यार दिया है। विवेक ने मुझे जो फील कराया है अब तक, वो मैंने शायद पिछले कितने ही साल जब से मैं पैदा हुई हूँ, मैंने फील नहीं किया है किसी भी व्यक्ति के साथ। ही हैज़ मेड मी फील लाइक अ प्रिंसेस। एंड मेरा बर्थडे था, मेरे बर्थडे के दिन मैं विवेक को ले गई थी, हम लोग गए थे मेरे मम्मी पापा से मुलाकात कर। आई थॉट इट वुड बी अ सिंपल मीटिंग, लेकिन इट टर्नड आउट टू बी लाइक अ फेरी टेल। मम्मी पापा लोग जहाँ पे विवेक से बैठ के खूब पूछताछ कर रहे थे, जांच पड़ताल कर रहे थे, क्योंकि उसके पहले मेरी जांच पड़ताल हो चुकी थी उनके पेरेंट्स के द्वारा, अच्छी खासी 3 घंटे की ग्रिलिंग हुई थी मेरी कि ये लड़की बहू बनने लायक है कि नहीं है, या सिर्फ टीवी एक्ट्रेस और हॉइटी टॉइटी रहेगी। यू नो व्हाट अमेज्ड मी, कि विवेक में दम था कि वो बिना ये जाने कि मम्मी पापा उन्हें एक्सेप्ट करेंगे भी कि नहीं करेंगे, वो मेरे लिए एक अंगूठी लेकर आए थे प्रपोज करने के लिए। कॉन्फिडेंस देखिए बॉस, कि अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो पसंद कर ही लेंगे। एंड रात के 12 बजे शी टुक माई सिस्टर इन कॉन्फिडेंस, एंड रात को 12 बजे मुझे तो बस वॉक पे भेज दिया इन लोगों ने। मैं वॉक करके लौटी हुई, पूरे घर अंधेरा है और फिर नीचे फूल बिछे हैं, कैंडल्स हैं, लाइक ये सब क्या है? अच्छा, बर्थडे विश के लिए बड़ी अच्छी तैयारी की इन लोगों ने। तो मैं कैमरा निकालने लगी, तो सब लोग वहाँ से चिल्ला रहे, अंधेरे में कोई दिख नहीं रहा था, सब चिल्ला रहे, लेकिन अरे अपना कैमरा बंद कर, तेरे लिए हमने कैमरा ऑन किया है। एंड व्हेन आई वेंट अहेड, ओह आई एक्सपीरियंस द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग। वहाँ पे विवेक खड़े थे विद अ टी शर्ट इन हिज हैंड। खैर वो टी शर्ट का किस्सा बाद में खोलूँगी। उसके पहले विवेक ने एक स्पीच चालू की, और स्पीच में उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली, ये कहा कि तुम्हारे पास सब कुछ है। मैंने सोचा ऐसी क्या चीज़ है जो तुम्हें चाहिए है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आया हूँ। ओपन अप अ बॉक्स, एंड मेरा रोका तो उसी दिन कर लिया उन्होंने, मन ही मन में मैं और उनका हमारा रोका हो गया। ही गिफ्टेड मी दिस ब्यूटिफुल रिंग जो लेकर आए थे। और उसके बाद और भी ज़्यादा अमेजिंग था, उन्होंने एक शर्ट गिफ्ट की मुझे जिसमें आगे लिखा था, यू आर एन आंसर टू एवरी क्वेश्चन। तो ये रस्म चल रही थी जिसमें गोद भराई की रस्म कहलाती है। तो गोद भराई की रस्म के दौरान सुहाग का सामान दिया जाता है,
उसी दौरान उन लोग ने मेहंदी निकाली, विवेक की चाची ने या मासी ने, चाची ने, विवेक की चाची ने मेहंदी निकाली और उन्होंने मेहंदी लगा दी मेरे हाथ में और स्टैम्प कर दिया कि अब से तुम विवेक की हो।